हेलो, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास 12 के टॉपिक से है, फर्स्ट टॉपिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। टू स्फीयर इक्वल ऑफ इक्वल मास ए एंड बी आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली, देन मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, मास ऑफ ए रिमेंस कॉन्स्टेंट, मास ऑफ बी डिक्रीजेज। ये चार ऑप्शन है, समझ गए? ये आपका इसमें से क्या लेना, फिर से आपको पता होना चाहिए कि जो भी चार्ज का ट्रांसफर, जैसे दो इक्वल है, तो आपका क्या है, फिर से दो ए और बी है, इस पर ए और बी है, दोनों का इनिशियली मास इक्वल एम। जैसे ही इस पर प्लस क्यू चार्ज होना है, प्लस क्यू चार्ज आना है, मींस यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। इनिशियली मान लो इस पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, ये भी एन है, ये भी एन है, यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एन है, क्योंकि इनिशियली दोनों न्यूट्रल, न्यूट्रल होने का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी आपका न्यूट्रल होगा, अदरवाइज न्यूट्रल नहीं हो सकता। मान लो किसी वजह से इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, मीन्स इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्लस क्यू चार्ज आने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं कर सकते, क्या कर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन के न्यूक्लियस में होता है, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते, किसको हटा सकते, इलेक्ट्रॉन को। तो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन हट गया हो, कितना हटा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट के एन माइनस एम हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी वही एन रहेगा। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया होगा, यहाँ पे क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ गया होगा, कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, तो मान लो इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटोन तो वही है एन, इसीलिए इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, माइनस क्यू, इस पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, सिर्फ चार्ज शिफ्ट नहीं होता, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है 1.-1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी, समझ गए? तो यहाँ के जो मास जो है इसका, इसका इस ए का आपका मास घट गया, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट हुआ, एम माइन, जो भी एम इसका मास मान लेते हैं, एम माइनस, या इसको एम नॉट मान, इसका मास इक्वल है ना, इक्वल मान लेते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे कैपिटल एम मान लेते हैं, समझ गए? तो कैपिटल एम में से कितना मास घटा होगा, एक 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 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इनटू 10 पावर -31 केजी, या m -9.1 इनटू 10 पावर -31 केजी, और यहां बार कितना आएगा, m प्लस m इनटू 9.1 इनटू 10 पावर -31 केजी, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना मास इसका बढ़ गया होगा, इतना मास इसका घट गया होगा, तो इससे क्या होगा, मास ऑफ ए फिर से क्या होगा, कम होगा मास ऑफ बी से, क्योंकि आपका इसमें प्लस क्यू चार्ज घट गया, प्लस क्यू आ गया, इसमें माइनस क्यू आ गया, प्लस क्यू चार्ज किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ए से किधर चला गया, बी पे, इसमें प्रोटॉन बढ़ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसके साथ क्या हो गया, मास भी बढ़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, मास ऑफ बी डिक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर टू, नंबर टू क्या हुआ, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, समझ गए? थैंक यू।